समंदर में पाकिस्तान की घुसपैठ नाकाम। पाकिस्तानी वॉरशिप आलमगीर को नेवी ने खदेड़ा। डोनियर एयरक्राफ्ट ने डिटेक्ट किया पाकिस्तानी शिप। वार्निंग के बाद भाग खड़ा हुआ पाकिस्तान का शिप। सीधे ये ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे आशीष के पास चलिए। आशीष, क्या मामला है? PNS आलमगार बेसिकली काफ़ी नज़दीक था, जो मैरीटाइम बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, IMBL जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर लाइन, वहाँ से वो इंडिया की तरफ आ चुका था, थोड़ा अंदर आ गया था। और उसके बाद में इंडियन नेवी ने, बल्कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना डोनियर एयरक्राफ्ट तुरंत डिप्लॉय किए, जैसे उन्हें पता चला कि ये नज़दीक आ गए हैं और IMBL क्रॉस करके, इट्स मोर ऑफ एन मैरीटाइम इन्फिल्ट्रेशन जिसे आप कह सकते हैं, उसकी कोशिश की गई थी। और 26-11 के बाद जस्ट होल्ड योर थॉट। सीधे बिग वॉल पर आशीष ने जो डिटेलिंग की है, ये खबर मैं जरा बताना चाहूंगा। भारत के समंदर में पाकिस्तानी घुसपैठ। मैं सीधे जा रहा हूं कॉमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ हैं, थोड़ा जूम इन करें। मैरीटाइम बाउंड्री लांघकर भारतीय सीमा में दाखिल हुआ पाकिस्तानी वॉरशिप। हालांकि उनका वॉरशिप क्या वॉरशिप है आप भी समझ सकते हैं। जुलाई के पहले हाफ में भारतीय समंदर में दाखिल हुआ था वॉरशिप आलमगीर। इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड के डोनियर सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने खदेड़ा। समंदर में दाखिल होते ही नजदीकी एयरबेस पर तैनात डोनियर ने ढूंढ निकाला। वॉरशिप डिटेक्ट करते ही डोनियर ने कमांड सेंटर को जानकारी दी और पीछे किया। मैं सीधे चलूंगा कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, क्या इरादा था इनका? ये गलती थी या पकड़े गए तो गलती, वरना कोई बहुत बड़ी शरारत? मैं तो इसको एक गलती भी कह सकता हूं, क्योंकि आजकल उनकी जो इंटरवेंशन है, जो अंदर आते हैं हमारे मैरिटाइम बॉर्डर के अंदर, वो बिकॉज ऑफ फॉल्टी नेविगेशन भी हो सकती है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है आजकल। इधर जो मौसम चल रहा है वेस्ट कोस्ट के ऊपर मानसून के अंदर, ऐसी बातें हो जाती हैं। मगर जैसे आशीष बता रहा था कि हमारे कोस्ट गार्ड बहुत सक्षम है, उनके पास जो डोनियर एयरक्राफ्ट हैं वो हमेशा वॉच रखते हैं। उन्होंने जरूर उनको बताया और अपने रेडार के ऊपर उन्होंने देख लिया होगा कि ये बड़ा शिप है, और उसको उन्होंने वैलेंटाइन जिसे कहते हैं वार्निंग दे के वहां से भगा दिया। वाह, तो वार्निंग भी वैलेंटाइन सर, क्या बात है। आप इसको वार्निंग को भी वैलेंटाइन, खैर ये नया वर्ड है, बट पाकिस्तान को वैलेंटाइन की जरूरत नहीं है, उनको कुछ और जरूरत है। बहरहाल